नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज भी वीडियो आपके सवालों के जवाब की है। जैसा कि मैंने बोला था कि पार्ट टू वीडियो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो आज आपके सवालों के जवाब की जो वीडियो है उसका पार्ट टू मिलेगा। तो सवाल पहला ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सवाल है दीपाली का कि राधे राधे मैम, आप कर्पूर गौरम मंत्र बताओ। तो जी, ये मंत्र मैं बता देती हूँ आपको कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ये मंत्र जो है इस प्रकार से था जो मैंने आपको सुनाया। फिर सवाल है यश राज का कि मैम, फिर जब हम अंदर जाएंगे तो इसे लांघ कर जाएंगे। तो आपने पूछा है दिवाली पर लक्ष्मी जी के जो चरण दहलीज पर बनाने हैं, तो जी वो जो चरण बनाए जाएंगे वो दहलीज के सेंटर में बनाए जाएंगे, तो आपको उनको लांघ कर नहीं जाना, आपको उनके साइड में से होकर अंदर आना जाना करना है। फिर सवाल है प्रियंका कुमारी का कि दी प्लीज शरद पूर्णिमा पर वीडियो बना दो कि कब है। तो जी शरद पूर्णिमा का भी टाइम है, तो आपको शरद पूर्णिमा से पहले जो वीडियो है वो मिल जाएगी। फिर सवाल है संजना साहू का कि कमल ककड़ी कहाँ मिलती है। तो जी ये जो कमल ककड़ी है इसे भें भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे लोटस स्टेम बोला जाता है। जहाँ पर आप सब्जियाँ लेने जाते हैं अगर उनसे आप कहेंगे कमल ककड़ी दे दो तो वो दे देंगे, और कहीं कहीं इसे भें भी बोला जाता है, तो आप इन्हें बोल दें कि भें दे दे। आपके शहर में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ इसको जो बोला जाता है उसी नाम से आप इसे ले लें, लेकिन जो ये मिलेगी ये सब्जी की दुकान से ही मिलेगी। फिर सवाल है सरला का कि जी आप कौन से गुरु से दीक्षित हैं। तो जी देखिए, आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं, आप कौन से गुरु से दीक्षित हैं। तो जी देखिए, ईश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती हूँ अपने ठाकुर जी के आगे, मैंने उनसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। मैं हमेशा उनसे यही बोलती हूँ कि मेरे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये जो विकार हैं इनको दूर करो, और मुझे भक्ति दो, क्योंकि भक्ति से ज्ञान आ जाएगा। तो भक्ति से ही ज्ञान आता है, तो बस मैं उनसे यही बोलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे विकारों को दूर करें। और मैं सिर्फ उनसे यही बोलती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति कर सकूँ, मुझे इतना रखो और मुझे भक्ति करना सिखाओ, आपकी सेवा कैसे करूँ मुझे सिर्फ ये बताओ, ये सिखाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान अपने आप आ जाएगा, तो जो हमारे गुरु है भक्ति भी है, ठाकुर जी तो हमारे गुरु है ही हैं। बाकी तो मैं हर बार बताती हूँ कि मुझे जिस जिस से जो जो सीखने को मिलता है वो सब मेरे गुरु हैं, चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है या जानवर है, मैं हर किसी से सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सीखने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है। तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और हर किसी से सीखते रहना चाहिए, चाहे कोई आपका अच्छा कर रहा है तो भी उससे सीख मिलती है, कोई आपका बुरा कर रहा है तो भी आपको सीख तो मिलती ही मिलती है। तो जी मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली है, कोई मेरा गुरु नहीं है, जिससे जो अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिलती है किसी से भी, मैं उसी से ही वो चीज़ सीख लेती हूँ। तो बस आप सब लोग ही मेरे गुरु हैं। फिर सवाल है सरबंती गांगुली का कि मैम, आरती में पहले धूप या दीपक दिखाना चाहिए। तो देखिए, मुझे ये नहीं पता क्या दिखाना चाहिए, लेकिन मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं सबसे पहले ठाकुर जी के लिए जो घी का दिया है वो लगाती हूँ, वो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं उन्हें धूप दिखाती हूँ। कपूर भी मैं कभी कभी जला देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कपूर जलाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कपूर भी जलाती हूँ। तो धूप दिखाने के बाद मैं कपूर जलाती हूँ। तो मुझे काफ़ी जो कमेंट्स में बोला था कि सब्सक्राइबर्स ने भी बोला था कि मैम आप कपूर ज़रूर दिखाया करो उन्हें, क्योंकि कपूर दिखाने से उनकी जो नज़र है वो उतरती है। तो तब से मैंने कोशिश की है कि डेली उनके लिए मैं कपूर भी ज़रूर जलाऊं।
फिर सवाल है करिश्मा शर्मा का कि राधे राधे आपने गले में माला कहाँ से ली। तो जी, जो मैं तुलसी माला गले में पहनती हूँ, ये माला मैं वृंदावन से लेकर आती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन की जो माला है ये वृंदावन से ही मिलती है। फिर सवाल है नीतिका गुप्ता का कि दीदी, जो 33 चीज़ों का दान करना होता है वो किन को देना होता है। तो जी, जो 33 चीज़ों का दान देना होता है वो किसी पंडित के घर दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी वो दान दे सकते हैं। फिर सवाल है कुमार दीपी का कि फास्ट कैसे करें, व्रत कैसे करते हैं। तो ये उन्होंने पूछा है कि सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि की जो वीडियो है उसमें पूछा है। तो देखिए, मैंने वीडियो में सब बताया हुआ है कि आपको व्रत कैसे रखने हैं। तो जो फिर भी आपको बता देती हूँ कि जो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है वो कई बार तो पूर्णिमा के बीच में ही आता है और कई बार पूर्णिमा से एक दिन पहले आता है। दोनों दिन कथा अगर आपको करनी हो तो आप दोनों दिन कथा सत्यनारायण भगवान की कर सकते हैं। पूर्णिमा की जो व्रत करते हैं उस दिन सत्यनारायण की कथा की जाती है। तो जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है वो पूर्णिमा से ज़्यादातर एक दिन पहले ही आता है। तो उसकी पूजा कर की जाती है, सुबह उठकर जो सर धोकर स्नान किया जाता है, उसके बाद जो इसकी पूजा विधि, जो सुबह आप पूजा करते हैं वो तो नॉर्मली पूजा करेंगे ही करेंगे, फिर उसके बाद आपको शाम को जैसे 4 या 5 बजे के बीच में इसकी कथा की जाती है, या 12 बजे के बाद आप कथा कर ले, चाहे तो आप एक चौकी लगाएं या मंदिर में ही जो पूजा करनी है वो करनी है। पूजा विधि मैंने बताई हुई है, आप वीडियो में देख लेंगे। हाँ, रही बात फास्ट कैसे करना है, तो जो इसका भोजन है वो दिन ढलने से पहले कर लिया जाता है। चाहो तो आप दिन में कथा करने के बाद जो भोजन है वो कर सकते हैं। जो व्रत होगा उसके अंदर आपको अन्न ही खाना होता है, लेकिन इसके अंदर प्रसाद बनाया जाता है, आटे की पंजीरी, और जो पंचामृत है वो जरूर बनाया जाता है। तो सबसे पहले पंचामृत और आटे का प्रसाद खाकर व्रत खोलें, उसके बाद आप वो भोजन खाएं जो आपने बिना प्याज लहसुन का बनाया होगा। फिर सवाल है राजेश जोशी का कि जय श्री कृष्ण दीदी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा 3 साल हो गए करते हुए। हमारी शादी को भी 3 साल हो गए जब से हमारी शादी हुई है। उसके बाद हमारे 3 मिसकैरेज हो गए हैं। तो मैं इलाज के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ और मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाला कोई भी नहीं है। जो भी मेरे घर के मेंबर हैं वह लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते, तो मैं क्या करूँ? लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ना जाने वह कैसी स्थिति होगी। मैं मन में डर है, लड्डू गोपाल जी 10 नंबर के हैं। तो जी, ये आप देखिए कि अगर आप ले जा सकते हैं तो उनको अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो तो ठाकुर जी को भी पता है कि वहाँ स्थिति कैसी होगी। तो जी, आप उन्हें घर पर भी छोड़कर जा सकते हैं। तो उनकी आप जहाँ जा रहे हैं मानसिक रूप से सेवा करें, मानसिक रूप से ही उन्हें स्नान करवाएं, मानसिक रूप से भोग लगाएं, मानसिक रूप से आरती करें, तो भी उनकी सेवा हो जाएगी। तो साथ अगर ले जा सकते हैं तो आप ले जाएं, क्योंकि वो तो ठाकुर जी को ही पता है कि आप वहाँ कैसी स्थिति में रहेंगे, कैसे उनकी पूजा होगी, कैसे सेवा होगी। तो ये तो आपको पता है कि वहाँ जाकर पूजा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, साथ भी लेकर जा सकते हैं। फिर सवाल है हेमा यादव का कि जिस चीज़ का दान देना है वह पर किसको देना है, यह बताना। मालपुए का दान कैसे क्या देना है? तो जी, जो दान देना चाहिए 33 मालपुई दान देने हैं, छोटे छोटे बनाकर दान दे दें। और कहते हैं कि कांसे के बर्तन में डालकर दान देना शुभ माना जाता है। अगर कांसे का बर्तन नहीं भी मिलता तो आप वैसे ही दान में दे दें, किसी बर्तन में डालकर दे आए। और जो दान देना है किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, किसी पंडित को या किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। फिर सवाल है पूनम श्रेया का कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, मगर मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं मूर्ति, ड्रेस या और चीज़ें लाऊं, तो मैं क्या करूँ? तो जी, जो ठाकुर जी हैं वो भाव के भूखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत सारी आपको पोशाक लेकर आनी है, बहुत सारी उनके लिए ज्वेलरी लेकर आनी है, या बहुत सारा उनके लिए सामान लेकर आना है। ऐसा नहीं है, आप 2 या 3 पोशाक लाकर, 1-2 माला ले आएँ, 1-2 पगड़ी ले आएँ, तो उनकी सेवा अच्छे से हो जाएगी। इसमें कोई भारी भरकम नहीं है कि आपको 10-15 पोशाक चाहिए, बहुत सारी ज्वेलरी चाहिए। तो ये तो आपके
तो आपको तो अपने भावों के जरिए उनको श्रृंगार करना है, तो आप अपने भावों के जरिए ठाकुर जी का श्रृंगार करें, अपने भावों से ही उनको जो सेवा करनी है करें, क्योंकि हमारे भावों से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा तामझाम चाहिए, बहुत सारी पोशाक, बहुत सारी ज्वेलरी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम सामान में भी उनकी सेवा कर सकते हैं। फिर सवाल है नीलम शर्मा का कि मैंने एक प्रश्न किया था, पर कोई बात नहीं, प्लीज़ इस पर जवाब दीजिएगा। मेरे पास मार्बल का मंदिर है जो जल्दी जल्दी काला हो जाता है, पुराना मंदिर हटाकर नया मंदिर लगा सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, आप वो पुराना मंदिर हटाकर नया अगर लकड़ी का लगाना चाहते हैं तो लकड़ी का मंदिर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो मार्बल है वो कुछ सालों बाद काला हो ही जाता है। फिर सवाल है कृष्णदासी का कि दीदी क्या लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से ही लाना अच्छा है या फिर कहीं से भी ला सकते हैं? तो जी जो गोपाल जी हैं, जो ठाकुर जी हैं, जो भगवान हैं, वो कहीं से भी लेकर आए वो हमेशा अच्छे होते हैं, शुभ ही होते हैं। आप कहीं से भी लेकर आए, चाहे वृंदावन से लेकर आए या जहाँ आप रहते हैं वहाँ से मिलते हैं वहाँ से लेकर आए। तो फिर सवाल है राशिका गुप्ता का कि लड्डू गोपाल को मॉर्निंग में कितने बजे उठाएं? तो जी लड्डू गोपाल जी को मॉर्निंग में आप 5-6 बजे उठा सकते हैं। बाकी ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 8 बजे उठते हैं तो उन्हें आप 5-6 बजे उठाकर बिठा दें फिर आप सो जाएं। तो खुद भी जल्दी उठने की कोशिश करें, लेकिन जब आप उठें उन्हें तभी उठाएं। तो ये भी नहीं कि आप 10 बजे उठते हैं तो उन्हें 10 बजे उठाएंगे। तो कोशिश करें खुद भी 6-7 बजे के करीब उठ जाएं और उन्हें तभी उठाएं। फिर सवाल है सीमू गुप्ता का कि क्या तुलसी को सीजर से काट सकते हैं और क्या तुलसी पत्ते को दांत से चबा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, तुलसी को सीजर से ही काटा जाता है। तुलसी को कहते हैं कि जो उसकी जब डंडियाँ आ जाती है, जब उनके जो बीज सूख जाते हैं तो उन्हें काट देना चाहिए। तो तुलसी को जो कैंची से ही काटा जाएगा, नाखून से कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी रही बात कि तुलसी दल को दांत से चबाया जा सकता है, तो कहते हैं कि तुलसी दल को अपनी जो दाढ़ें होती हैं उनसे नहीं, तो तुलसी को अपनी दाढ़ से नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो मरकरी होता है उससे जो हमारी दाढ़ के अंदर होल हो जाता है। हाँ, आप अपने आगे के दांतों से हल्का हल्का चबाकर उन्हें सटक सकते हैं पानी के साथ, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप उन्हें छोटी छोटी जो तुलसी का पत्ता है उसकी गोली बना लें फिर उसको सटक लें। फिर सवाल है, तो इन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था अपना सवाल, इनका मुझे नाम नहीं पता, तो उन्होंने पूछा था कि मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जीवन में स्पिरिचुअल पथ पर आगे बढ़ने के लिए गुरु होना ज़रूरी है। तो जी ये तो अपनी अपनी इच्छा है कि गुरु होना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन मैंने अभी पहले बताया ही है कि मेरा कोई गुरु नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअल पथ पर बढ़ने के लिए आपको जो भक्ति है वो ज़रूरी होती है, और भक्ति से ही ज्ञान आता है। तो बस आप ठाकुर जी की भक्ति करते रहें और उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, अपने अंतर मन से उनका जाप करते रहें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें, तो आप देखेंगे कि जो आपका जो अध्यात्म की तरफ है वो ध्यान जाएगा ही। तो जीवन में आप जिससे भी मिले या जीवन में हमें जो भी मिलता है वो हमें कोई ना कोई एक शिक्षा तो देकर जाता ही जाता है, एक अच्छी सीख देकर जाता है। तो जैसे पहले बताया कि बुरा मिले तो भी सीख मिलती है, कोई अच्छा इंसान मिलता है वो भी सीख देकर जाता है। तो बस जीवन में सीखने का ही काम है, और जो भी मिलता है उसे आप गुरु के रूप में ही देखें, क्योंकि उसकी अच्छाइयों को देखें तो हम अपने अध्यात्म पथ पर भी आगे बढ़ेंगे और जो हमें है सीखने को भी मिलेगा। फिर सवाल है राधिका बोरा का कि हमारे यहाँ अधिक मास के बीच में डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी हमारे परिवार में ही है, तो जो 8 दिन तक सूतक लगेगा उसमें मैं पुरुषोत्तम मास के महात्म्य पढ़ सकती हूँ क्या, केवल बुक को अलग रखकर बिना भगवान को छुए? तो जी बिल्कुल, आप जो पुरुषोत्तम मास महात्म्य पढ़ सकती हैं, तो वैसे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की मैंने वीडियो भी डाली है, आप वो भी सुन सकती हैं। फिर सवाल है अल्पा कटारिया का कि प्लीज़ बताइए कि दक्षिणावर्ती शंख में हमेशा अनाज डालकर रखना चाहिए और उसके बाद उस अनाज का क्या करना है, कितने दिनों के बाद वो अनाज चेंज करना होता है? तो जी दक्षिणावर्ती शंख में अनाज नहीं डाला जाता, सिर्फ चावल डालकर रखा जाता है या उसके अंदर गंगा जल मिश्रित पानी डालकर रखा जाता है। अगर आप पानी डालकर रखते हैं तो उसे आप रोज चेंज कर दें, उसको आप पी भी सकते हैं। अगर आप चावल डालकर रखते हैं, जैसे आपने शंख के अंदर चावल डालकर रखे हैं, चावल ही रखे जाते हैं शंख के अंदर,
तो उस चावल को जैसे पूर्णिमा के दिन आप चेंज कर सकते हैं, जो चावल आपने पहले रखे होते हैं उन चावलों को आप घर में यूज कर लें। फिर सवाल है दर्शना का कि हेलो मैम, हाउ आर यू, माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवत एंड भागवत गीता बुक। आई हैव बोथ द बुक्स बट आई रीड ओनली भागवत गीता एंड समवेयर आई हियर दैट श्रीमद् भागवत गीता बुक हैज 18 पार्ट्स। और आपने पूछा कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है। तो जी, जो भगवत गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है अर्जुन को, और फिर जो भागवत गीता है वो पूरा उसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण है उनका वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो जो भागवत है उसके अंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो आप भागवत गीता पढ़ती हैं तो गीता में तो आपको उपदेश जो भगवान ने दिया है वो ही है। भागवत पढ़ती हैं तो वो पूरा उसके अंदर वर्णन है। वो बुक जो है काफ़ी मोटी होती है, उसे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जो भगवत गीता है उसके अंदर 18 अध्याय ही होते हैं, लेकिन जो भागवत होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो एक तरह से पुराण है। फिर सवाल है किंजल का कि मुझे पूरे साल की एकादशी कैसे करनी है, उसके बारे में बताएं, पूजा कैसे करें, कौन से महीने की एकादशी से शुरू करें। तो ये सब आप मुझे बताएं। मैंने आपको पहले भी कमेंट किया था लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो प्लीज़ मेरे कमेंट को आप देखकर मुझे जवाब दें। तो जी, जो एकादशी शुरू की जाती है वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू किया जाता है। तो पूरे साल आप एकादशी करें, उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर दें। तो जो मेरा नज़रिया है वो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो शुभ काम है उसमें देर नहीं करनी चाहिए, या भगवान के किसी भी कार्य में, मांगलिक कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। तो मेरे नज़रिए से आप किसी भी महीने की एकादशी से जो व्रत है शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग उद्यापन करते हैं, जिन्होंने एकादशी का उद्यापन करना है, उसके लिए पूरे एक साल व्रत रखा जाता है, तो वो उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत शुरू किया जाएगा। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कुछ रह गए होंगे तो प्लीज़ फिर से लिखकर भेजना, ताकि आने वाले फ्राइडे को मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको टैप ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।